ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਿਤੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਸ਼ਪ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲਸਨ ਸੋਨੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਈ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ 'ਤੇ। निघा स्वागत करते हैं, स्थान पर पहुंचने के लिए वेलकम करते हैं और थोड़े समय में जब परमेश्वर के दास आएंगे आपको सम्मानित करेंगे या जो भी समय का रहेगा। दादा शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सही सलामत पहुंचाया और इस अवसर में इस मौके में इस प्रोग्राम में शामिल हो सके हैं। वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ए वेरी वेरी वॉर्म वेलकम। Wonderful and beautiful and very special day that brings together so many people, special people like you. I am Dolok Varma of David Manuel or my shop name Brother Vini. आज हम मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु और हमारे प्यारे उद्धारकर्ता का जन्मदिन मना रहे हैं। आप सभी को यीशु मसीह के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, मेरी क्रिसमस बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए। आज की शाम को आपने यहाँ आकर और खूबसूरत बनाया। आज क्रिसमस का प्रोग्राम बहुत ही रंगारंग होने वाला है। आपको डांस देखने को मिलेगा, मसीह गीतों पर पंजाबी भंगड़ा, जबरदस्त ड्रामा, इबली शैतान की कॉमेडी देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत शायरियाँ आपको सुनने को मिलेगी। और ब्रदर दीपक जॉनसन जी और मैथ्यू तेजी जी के साथ मिलकर आराधना और उनकी कवालियाँ सुनने को आपको मिलेंगी और वचन प्रचार होगा पूरी सामर्थ्य और अभिषेक के साथ, चंगाइयाँ और भविष्यवाणियाँ होंगी। आज की शाम बहुत ही धमाकेदार और शानदार होने वाली है। सो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और इसके बाद वॉइस ऑफ जीसस बठिंडा की टीम उसके साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे। आइए आप लोगों को बात करेंगे, छोटी दुआ में जाएंगे। जमीन और आसमान को रचने वाले बनाने वाले पिता यहोवा परमेश्वर, आपके सम्मुख पिता परमेश्वर आते हैं पिता, अपनी खुदी अपने आप पे अपने घमंड का इनकार करते पिता परमेश्वर। आज की शाम पिता परमेश्वर आपकी दया को चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र पाक लहू हम सब पर, मुझ पर, हर एक व्यक्ति पर, हर एक सिस्टम पर यीशु मसीह आपका पवित्र पाक लहू आ जाए प्रभु। और प्रभु जैसे एलिशा नबी के चारों तरफ फरिश्तों की बाढ़ रहती थी प्रभु, अग्नि में घोड़े अग्नि में रथ रहते थे प्रभु, आज इस पंडाल में अंदर बाहर चारों तरफ स्वर्ग की सेना प्रभु यहाँ पर आ जाए प्रभु। और प्रभु आज आपका तख्त लगे पिता परमेश्वर प्रभु, और आज आपके नाम को प्रभु शुरुआत से लेकर इस प्रोग्राम के आखिर तक जलाल मिले प्रभु। हमारा नाम नहीं प्रभु आपका नाम महिमा पाए प्रभु, हम महिमा नहीं प्रभु आपका नाम यीशु जलाल पाए प्रभु। इस प्रोग्राम के द्वारा सब बातों के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आप जो सभा के मालिक हैं और आप मिनिस्ट्री करते हैं होली स्पिरिट परमेश्वर जी, मैं सबों से बढ़कर पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपका स्वागत करता हूँ इस मंच पर। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी स्थान पर आप कब्जा में अधिकार में पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आप सभा के मालिक हैं, आप इस सभा को अपने हाथों में लेकर चलाएं प्रभु। आपका कलाम कहता है बोलने वाले तुम नहीं पिता का आत्मा तुम्हारे हाथों होकर बोलेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी जितने जन आज इस स्टेज से बोले प्रभु आप उनके अंदर होकर बोले प्रभु, हर एक को दलेरी सामर्थ और अभिषेक देना प्रभु, और हर प्रोग्राम में हर एक्ट में डांस में हर एक चीज के ऊपर पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा है प्रभु। और अंधकार का हर प्लान, दुष्ट का, शैतान का, इबलीस का, नरक के दूतों का सारा प्लान यीशु मसीह नासरत के नाम से रद्द होने पाएगा और आपका नाम को इसको जलाल मिले प्रभु। किसी तरह को डिस्टर्बेंस ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, गड़बड़ करने वाले स्पिरिट्स बंदी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से मध्य थारा डाने के अनुसार बांधते डांटते यीशु के नाम से।
हाँ जी, इस क्रिसमस के मौके के उत्ते मैं बिशप विल्सन सोनी पंजाब प्लस इस चैनल को साढ़े पंजाब के लोगों साढ़े देश के इंडिया के लोगों और जगह में जगह जिथे भी साड़ी आवाज़ पहुँचती है उन्होंने सारे क्रिसमस दिया मैं बहुत बहुत बद शुभकामना मैं देना चाहता और परमेश्वर साढ़े देश में बड़ी शांति दे साढ़े पंजाब शांति दे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो इस जमीन के उत्ते होया वो एक शांति नू प्रभु यीशु मसीह लेके आए तो उन्होंने सुनेहा भी शांति का है प्यार का सुनेहा है ये सुनेहा जोड़ा है बाइबल मुकदस के लिखा है कि ये जोड़ा खुशी की खबर है वो सारी मानव जाति दे लिए है। तो मैं इस चैनल के माध्यम तो यह सुनेहा देना चाहता कि प्रभु यीशु मसीह नू अपने दिलों में जगह दो ताकि थोड़ी जिंदगी विच आनंद ते शांति होवे। धन्यवाद, थैंक यू जी। Yes.
योजना बनाई टू सेव एवरीवन दैट गॉड हैज मेड अ प्लान ऑफ
salvation. और परमेश्वर ने इस संसार को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु को दे दिया. And Father has sent his only begotten son to save this world. लुका की इंजील जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय उसका 10 से 11 वचन जब हम पढ़ते हैं. And when we read the gospel of Luke chapter 2 verse 10 and 11. उस जगह पे लिखा है कि गडरी जो अपने इज्जत की रक्षा कर रहे थे. And here it is written, as shepherd they were taking care of their sheep. तब स्वर्गदूत ने उन्हें जाके एक खबर दी थी. And suddenly one angel came and gave them a news. और स्वर्गदूत ने कहा मैं तुम्हें बड़ी खुशी की खबर देता हूँ. And what angel has said them that I am giving you a great, a big, a very happy news. मेरे प्यारों इस जमीन के लोगों देखो मैनू इस तरह दिखता है कि हर रोज कोई चंगी खबर नहीं होती है. As I can say there's that daily we hear only a bad news, we never hear any good news. पर आज तो 2000 साल पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी खबर है. But 2000 years ago that there was a very big and good news. और स्वर्गदूत ने कहा कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है. And angels said them that today the one who will give salvation he came on the earth. और ये मसीह भी है और ये प्रभु भी है. He is only a Messiah and a God. मेरे प्रियो मैं आज जो थोड़ा गल करना चाहता हूँ क्रिसमस का मतलब है कुछ देना. My dear, today I want to tell you that Christmas means is to give something. परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को दे दिया. Father has given his यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय में 16 वचन में लिखा है. As it is written in the Gospel of John, chapter 3:16. परमेश्वर ने जगत ना इन्हों प्यार किया. God has loved this world. कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. That He has given His only begotten Son. ताकि हर एक जो उस पे विश्वास करेगा. That whoever will believe on Him. वो नाश नहीं होएगा. He will not perish. जीवन पाएगा. जब पहले आदम ने गुनाह किया था वो इस संसार के लिए मौत को लेके आया था. When first Adam has done sin, he brought death on us. और दूसरा आदम जो स्वर्ग को आया. And the second Adam who came from heaven. वो सारी मानव जाति के लिए जिंदगी लेके आया. He brought life for everyone. और जिंदगी जिन्हें कभी नहीं खत्म ना होने वाली जिंदगी है. He brought eternal life which never ends. और सच वो जिन्हें जिंदगी है वो सजा दी मौत में खत्म कर देती है. That life has finished the death. मेरे प्रियो ये परमेश्वर का बड़ा अद्भुत प्यार है. This is the love of God. कि उसने सानू कुछ दिया है. That He has given us something. Hallelujah. क्रिसमस डे तो हार्ट पे किसी ने कुछ ना कुछ दिया. On the day of Christmas, everyone has given something to someone. ताकि ये बहुत बड़ा जेड़ा आनंद है साडे कोल पहुंच सके. That's why we are able to make this enjoyable moments. उस वक्त जब मरियम के कोल गया.